दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दहिया की चौपाल में। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम का प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है अग्निपथ। और जो इस योजना के तहत युवा भर्ती होंगे उसको कहा जाएगा अग्निवीर। आजकल ये दो नाम जो है अग्निपथ और अग्निवीर काफ़ी सुर्खियों में है। इसको लेकर मैं इस गांव में से निकला हुआ जा रहा था, यहाँ पर काफ़ी युवा लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ की उम्र भी निकल गई है, जो कि 3-4 साल से जो है कोरोना के कारण भर्ती नहीं आई थी, इस कारण से जो है वो ओवरएज भी हो गए हैं, तो उनको भी मौका नहीं मिला है। हालाँकि भारत सरकार ने ये जो भर्ती प्रारंभ करने का जो निर्णय किया है, तो ये कितना युवाओं को भा रहा है या नहीं भा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी पुलकित चौधरी। हाँ पुलकित जी, आइए बताइए, आपने भी तैयारी की है फौज के लिए या अन्य भर्ती के लिए तैयारी आप करते ही रहते हैं, तो आपकी संभवतः एज निकल गई या अभी है एज? जी कोरोना से बचने के बाद में 6 महीने बचेंगे बस अब। जी जी, बाकी सारी जितनी सब निकल गई। अच्छा, 6 महीने की उम्मीद है और इन 6 महीने वैकेंसी आ गई तो कुछ हो सकता है, ना तो फिर आउट। हाँ तो ये बताइए, जो नई भर्ती जो इस तरह की प्रारंभ करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, तो ये कितनी सही है और कितनी गलत है, इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? ये 1% भी मेरे अपने ओपिनियन से जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, ना तो इससे जो हम गवर्नमेंट सेक्टर के बचे ना प्राइवेट सेक्टर के बचे। अच्छा, प्लस टू के बाद में तैयारी में लग गए, तैयारी के बाद में कोई ना तो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं ना कुछ है, और ना इसकी इतनी सैलरी है, ना कोई पेंशन स्कीम है जो हम इसके भरोसे जो अपना फ्यूचर लगा सकते हैं। तो मेरे अपने ओपिनियन से जो है इससे बढ़िया तो प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रोफेशनल कोर्स करो, 10 मिलेंगे 15 मिलेंगे पर लाइफ टाइम मिलेंगे, तो इनकी तरह तो नहीं है कि 4 साल बाद निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, ये संविदा की जो नौकरी प्रारंभ अगर ये सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी जॉब से युवाओं का मोह भंग हो, इस तरह से दूसरी तरफ ध्यान दें, अपने बिजनेस वगैरह में ध्यान दें, इस तरह की कोई योजना तो उनके दिमाग में नहीं है? आपके अनुसार कैसा लगता है? हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट की यही नीति है कि गवर्नमेंट जो है देना किसी को कुछ नहीं जाती, बस लॉलीपॉप दे देगी, लीजिएगा चूस लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। यहाँ जो है ये बस जो है भड़कावा चल रहा है कि जॉब देंगे, जॉब क्या दे रहे हैं अब इनकी, यूपी में देख लीजिएगा, इन्होंने वैकेंसी निकालने के लिए इतने बड़े वादे किए हैं, अब वैकेंसी जो है पंचायत सहायक की वैकेंसी निकाल दी, सैलरी जो है 6,000 है, वो भी गवर्नमेंट उसमें अपने आप इंक्लूड कर रही है कि हमने जो है इतनी सैलरी मतलब इतनी जो है जॉब प्रोवाइड करा दी, ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा है? 6,000 रुपये में आदमी क्या कर सकता है? या यही वाली जो है अग्निवीर जो है इसकी सैलरी मिलेगी इन हैंड जो है हमें 21,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगी। अच्छा, अब 21,000 में क्या हो सकता है आप खुद सोच लीजिएगा। अच्छा, इधर भी कुछ मेरे सामने युवा हैं, आपका क्या नाम है जी? अंकुश दहिया। हाँ अंकुश जी, आप बताइए, जो सरकार ने जो ये स्कीम लागू की है नए युवाओं के लिए, आप कितना इससे सहमत हैं? जी हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है। आप नहीं, क्या दिक्कत है कि एक रोजगार की तरफ जो है, हमारी कोरोना हमारी उम्र 2018 में पूरी हो गई थी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2018 से अपने घुटने खींच रहे हैं, कोई कोरोना काल में भर्ती नहीं आई। और एक बात बताइए, 6 साल तो हम प्रैक्टिस करते करते हो गए, 6 साल प्रैक्टिस, अब 4 साल के लिए नौकरी करेंगे उसमें क्या करेंगे? एक चीज़ बताइए, 21 पहले साल में 21 है, फिर 25 है, फिर 26, फिर 28, 4 साल में अपने घर जाएंगे, 11,000-11,00,000 रुपये लेकर आ जाएंगे, कोई हमारा ब्याह तक नहीं करने का आने वाले समय। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि युवाओं को इस बात की भी चिंता है कि हम जब आएंगे अगर हमारा बिजनेस सेटअप नहीं होता, फिर आदमी जो है शादी विवाह नहीं होगा। 11,00,000 रुपये तो ब्याह में लग जाएंगे आज के टाइम में, तो वो जो 12 लाख सरकार देगी वो जो आपने शादी के लिए बचा कर रखना। हाँ जी, बस अनुकारे 48,00,000 रुपये मिला, 4 साल में कोई घटना होगी। देखो जी, बात वो कही 48,00,000 रुपये मतलब घटना होगी तो बीच में हुई, देखो पर हम अपना एक जो 15 साल की नौकरी थी उसमें कुछ मतलब कैरियर था नहीं था सर, आप बताइए, कैरियर था उसमें, पर अब तो कुछ आने वाले समय कैरियर ही नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, मिलों में नौकरी करेंगे क्या आने वाले समय में? एक चीज़ बताइए, मिलों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, बिल्डिंगों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे क्या? उनमें आते हैं अब जब सेना से निकले कि हाँ सेना से जो निकला हुआ है वो वहाँ पे आए नौकरी के लिए। हाँ, बाद में जो है उन्हें उसी क्षेत्र में ज़्यादा काम मिलने की संभावना है प्राइवेट सेक्टर में ही। हालांकि सरकारी कुछ नौकरियों में ये कह रही है कि सरकार जो हम उन्हें कुछ रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो मामूली
मामली अब योगी सरकार ने कही है कि हम जो इसमें अग्निपथ क्या वो मतलब अग्निवीर जो हैं उनके लिए हम यूपी पुलिस में वैकेंसी निकाला करेंगे। कोई किसी के लिए निकालता, किसी ने आगे क्या देखा, आगे किसी ने क्या देखा, कल योगी सरकार रहे ना रहे। जी जी जी, देखिए ये भाई युवा इधर भी है मेरे साथ, बगैर उसके निकल रहे हैं, सत्येंद्र दैया नाम है। हाँ जी बताइए आपकी क्या मतलब है? जो वहाँ से चार साल के बाद निकलेंगे उनसे अलग भी तो है, पुलिस में उन्हें करा दो। हाँ ये सबको थोड़ा करा देंगे चार साल के लिए उसमें भी। हाँ ये बात भी आपकी जायज है, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए रिटायर होगा उन्हें नौकरी देंगे तो बाकी नए युवा कहाँ जाएंगे? सबको पहले आर्मी में भेज देंगे, आर्मी से सबको निकाल के फिर पुलिस में करेंगे, फिर किसी को गार्ड बनाएंगे, किसी को होम गार्ड बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ ये भी बात बिल्कुल जायज है, ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। मान लीजिए अगर उन्हें नौकरी ही देनी है नहीं तो फिर वहीं पर उन्हें रेगुलर नहीं किया जाए या नहीं है? तो क्या नाम है जी आपका? अक्षय चौधरी। हाँ अक्षय जी, आप बताइए आपको कैसी लग रही है ये स्कीम? बिल्कुल बेकार लग रही है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं है और आगे वाले जो युवा हैं उनका फ्यूचर ही ब्राइट नहीं है। ये सिर्फ चार साल के लिए सेफ है, फिर उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो कोई ब्राइट फ्यूचर ही नहीं है। बस चार साल के बाद आपको रिटायर कर देंगे, आपको 10 से 15 लाख रुपये दे देंगे बस। लेकिन मैं मानता हूँ। आपका क्या नाम है जी? जी नबील खान। नबील खान जी। हाँ जी आप बताइए आपको कैसी सरकार की योजना क्या है, रोजगार के मामले में कैसा चल रहा है? मतलब इस तरह से जो सरकार मतलब आम जनता को बहका रही है वो मतलब एक तरह से गलत है, क्योंकि आम आदमी चार साल में नौकरी करके 10-12 लाख रुपए कमा के क्या कर लेगा आज के टाइम में लाइफ जी। मतलब ऐसा है कि ये मतलब इस तरह से मेरे हिसाब से तो गलत है। देखिए दोस्तों इधर जो है, हाँ जी एक बात बताइए, जो जो नेता लोग होते हैं अपनी जो ये विधायक और एमपी बन जाते हैं, अब इन्हें तो पेंशन मिलती है, तो इसका यही तो देश का सबसे बड़ा यही तो दुर्भाग्य है, भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। 5 साल के लिए अपना मतलब 2-4 रुपए खर्च करे, 5 साल के अपने मंत्री बन गया, पूरा मौज लिया, ऐसे लिए 10-20 करोड़ रुपए कमाया, कमाने के बाद सबको पता है इस चीज़ का, उसके बाद पेंशन आती है 1.5 लाख रुपये पेंशन आ रही है, 3 लाख वेतन इस टाइम वर्तमान में मिलता है, जो विधायक होता है वर्तमान में उसे 3 लाख वेतन मिलता है, मैं टेलीफोन विदेश सब। एक आर्मी सोल्जर के लिए तो पेंशन नहीं रख सकता, तो क्या किस चीज़ का दायित्व रहेगा तुम्हारे देश में? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नितिक दैया है। हाँ जी नितिक जी आप बताओ, आप तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, आपकी तो बिल्कुल मस्त तैयारी चल रही है। हाँ तैयारी तो चल रही है, 2 साल हो गए पर भर्ती नहीं आई, क्या करें। अच्छा तो मतलब जैसे ही नई योजना आई कुछ मतलब कुछ लगा कि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल बेकार कंडीशन हो जाएगी फिर तो। ये तो है, 4 साल नौकरी करेंगे 3 साल रनिंग, भाग तो हो गए। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है इस समय? अब तो नॉर्मल चल रही थी पर अब आनी भर्ती आ गई तो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। अच्छा इसको बढ़ा देंगे। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पर, हाँ जी हमसे बढ़िया 18 साल से 60 साल तक मनरेगा मजदूर काम कर सकता है 200 रुपये जी, वो भी हमसे बढ़िया रहेगा आने वाले समय में युवाओं से। तो इसका मतलब सीधा सा सिद्धांत नहीं कह दो ना कि युवा जो आने वाले समय, पहले तो ये कही थी कि पकौड़े तलो अब मनरेगा में काम कर लो उससे, तो वो सही है, तसले उठा लेंगे हम तो। सरकार से बताओ तसले बटवा दे गांव-गांव। एक चीज बताओ, हम इतने कह रहे हैं अगर हम इस 4 साल की योजना में ले जाने के लिए तैयार है, कम से कम MP विधायक जिला अध्यक्ष जो भी पार्टी के होते हैं उनका लोंडा एक बार भेज कर देखो, उनके पीछे चल देंगे। नहीं मुझे एक RSS के नेता मिले, बोले आवश्यकता से अधिक अगर आदमी को किसी को धन मिल जाता है ना तो वो बो जाता है, इसलिए इतना ही देना चाह रहे हैं कि आदमी जो है मतलब मजदूर बना रहे। तो इनकी जो है विधायकों की जो पेंशन आ रही है वो 1.5 लाख रुपए इन्हें क्यों दे रहे हो? 1500 रुपए दो तो मतलब राजा जनता के द्वारा चुने, मतलब राजा है तो उन्हें तो राजा तो पहले ही बन गए, उन्होंने तो इतना इकट्ठा कर लिया होगा कि इतना हम कर भी नहीं सकते, वो जो अपने 6 महीने में इतना कमा लेंगे, इतने में जो है एक जो है नॉर्मल जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी नहीं कमा सकता पूरी लाइफ में, मुझे तो लगता है नहीं कमा सकती उसकी, नहीं कमा सकती। और मल्टी पेंशन वाला जो इनका सिस्टम है कि अगर एक बार एक विधायक बन गया अगर द्वारा बनता है तो दूसरी पेंशन भी मिलेगी, वो पंजाब सरकार ने वो चीज़ बंद कर दी है, तो यहाँ पूरे कंट्री में होना चाहिए ना ये चीज़ भी, मल्टी पेंशन से भी जिन्हें कितना जो कितना करोड़ रुपये का फंड जो हमारा बचेगा। अब गवर्नमेंट जो क्या चाह रही है मतलब ये जॉब जो दे रही है, जॉब दे रही है या फिर हमें दिखा रही है बस, एक भी एक किस्म की भीख है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी युवा हैं, कुछ युवाओं की जो उम्र भी निकल चुकी है उन्हें भर्ती का इंतजार करते करते, कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि वो जो है सरकार की इस योजना से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक रोज़गार की संभावना उन्हें नज़र आई है, क्योंकि काफ़ी समय से रोज़गार नहीं मिला था, कुल मिलाकर जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।